जागदी जमीर वाले इस किसानी अंदोलन के पहुंचे सारे मेरे भरावां सब तो पहला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जय भीम जय पाक। साथियों इस स्टेज से आप अपने ज्ञान का कोई परचिचे नहीं करना कि मैनू इन्ना ज्ञान है, मैं सिर्फ तीन इशू से गल करांगा कि जो भी इस देश के कोई अंदोलन शुरू होंदा जब ही RSS के पेड़ चो जम्मी पार्टी BJP का राज आया, जे कितने देश के मुसलमान अंदोलन करते हैं तो उन्होंने आतंकवादी कहा जाता, जे कितने साडा दलित समाज अंदोलन करता उन्होंने शरारती नक्सलवादी कहा जाता, तो अज पंजाब के जो पग्गा वाले दिल्ली के अंदोलन करते हैं तो इन्हों खालिस्तानी कह के बदनाम कर रहे हैं। सो समझ की गल ये है कि जिन्हें तिना साथियों के नाम लेंदे आ मुसलमान सिख ते दलित, इहदा मतलब यह है कि यह तिना साथियों नू आने वाले समय के सुचेत हो के इकट्ठा होना पाऊगा, नहीं तो कल्ले कल्ले मारे जाएंगे। दूसरी मेरी बेनती यह है कि जिहड़ी RSS के पेड़ चो जम्मी BJP है यह उन्हां स्टेटां दे लोकां नू ही ज़्यादा तंग कर रही है जिथे RSS दे पैर नहीं लग रहे। इस टाइम भारत दे विच अगर इन्हां दे पैर नहीं लग रहे, एक पंजाब ते दूजी पछमी बंगाल, अज पछमी बंगाल च देख लो किन्ना दंगा हो रहा ते पंजाब दे विच किसान किन्ना परेशान हो रहा। सो किते इह ना होवे कि पंचायत दा क्या सर मत्थे पन्याला उत्थे दा उत्थे, अज बड़े बड़े अंदोलन BJP के खिलाफ रंभे जा रहे हैं तो कल वोटा आने का फेम नहीं है, वोटा जा रही निकल, मजा तो ही है कि उन्होंने जिन्हें भी कैंडीडेट ने माफ करना कहना राजनीति से गल करता वोट जो मर्जी पाओ, मगर BJP ने चाहे वह छोटे इलैक्शन से चाहे वे इलैक्शन से इन्हों जमानत जो जब्त हो उदो ही थोड़ी जित होगी। तीसरी मेरी एक गल यह है कि अच्छ किसानी अंदोलन चाहे दिल्ली ला लो तो चाहे फगवाड़े ला लो, दलित समाज बहुत वे पद्धर से साथ दे रहा। मैं सारे भरावों इस स्टेज तो बेनती करता कि तो इस देश के दे कितने साडे समाज से भीड़ पैंती है तो उदो भी तुम मोढ़े न मोढ़े ला के खड़ो ताकि इस देश मनुवादी ताकतों पता लगे कि सिख दलित और मुसलमान जिन्हों सदियों तो कुट दे आए हैं ये अज तुहाडी बदौलत एक हो चुके हैं। असी BJP का धन्यवाद भी करते हैं कि सानू लागे लै आंदा। सो भी जय भारत।